भास्कराज वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ओपन करने के पीछे मकसद दो ही। एक तो मैं आप लोगों के साथ खुशी बांटना चाहता हूं और दूसरी बात ये कि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में मैं यहां से अल्लाह चाह को हमारे लीडर बीजेड जमीर अहमद खान साहब और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब अगर मेरे ऊपर भरोसा करके बीबीएमपी की टिकट मुझे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा बोलकर उसके लिए और कौम के लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक ऑफिस ओपन किया हूँ कांग्रेस पार्टी से। और ये वार्ड ऑफिस है वार्ड 78 के, और जो 78 वार्ड के जितने भी मसले मसाइल आएंगे बीबीएमपी के ज़रिए से वो लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं 78 वार्ड के, पहले भी मैं नॉमिनेटेड कॉर्पोरेट रह चुका हूं, आज हमारे एमएलए और हमारे एक्स मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब के तरफ से और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब की तरफ से जो मुझे भरोसा और जो एक यकीन दिया गया है आने वाले कॉर्पोरेशन के सियासी मैदान में तुझे उतारेंगे बोलकर, उस उम्मीद से मैं आप लोगों से, आप लोगों के ज़रिए से इस वार्ड के पूरे वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जो 70/8 वार्ड है जो फेजर टाउन की, उस वार्ड के जो भी मसले मसाइल हैं आप लोग मेरे से राबता कर सकते हैं और आप लोगों के मसाइल हल करने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, टिकट मांगना हर एक का हक है, एक्स कॉर्पोरेटर हैं ठीक है, तो मैं भी एक कॉर्पोरेटर नॉमिनेटेड रह चुका हूँ, पिछली बार मैं भी कॉन्टेस्ट किया था, तो इस बार इस हलके से जो मेरे ऊपर भरोसा किए हैं इधर के एमएलए साहब और हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब, उसकी वजह से मैं भी इधर का एक एस्पिरेंट हूँ बोलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, क्या कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं डीके शिवकुमार या सिद्धरामैया जी से आपकी कुछ बातचीत हुई है? देखिए, उन लोगों तक मेरी बातचीत नहीं हुई है, उन लोगों तक हमारे बड़े विजेट जमीर अहमद खान साहब ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब वो बात कर लेंगे।